शिक्षक दिवस के दिन अगर अध्यापक सैलरी न मिलने का दुखड़ा रोए तो इससे दुखद बात और क्या हो सकती है। नॉर्थ एमसीडी में शिक्षक दिवस के मौके पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां जिन शिक्षकों को बेस्ट टीचर के अवार्ड से सम्मानित किया गया उनमें से अधिकतर ने सैलरी को लेकर कहा कि घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और नॉर्थ एमसीडी में सैलरी को लेकर शिक्षकों को धरने पर बैठना पड़ता है। इसके बावजूद टीचर्स छात्रों को पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। सैलरी तो एक बिग इशू है। हम लोग सारी टीचर कम्युनिटी अपना ड्यूटी कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, बट हाँ सैलरी के लिए तो हर कोई आ रहा है। पढ़ा रहे हैं वो अब एक तरह से सोशल सर्विस ही बन गए, लेकिन हमारी सैलरीज नहीं मिल रही, हम लोगों के घरों के रियली बुरे हाल हैं। अवार्ड के साथ सैलरी कितनी जरूरी है? सैलरी तो ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। जो अवार्ड है ये हम लोग जो मेहनत करते हैं मैं मानती हूँ कि उसका फ्रूट है, बट सैलरी तो चाहिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि देर हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी हो जाती है। सर टू सम एक्सटेंट तो इट रियली अफेक्ट्स, बिकॉज इट्स लाइक फ्यूल फॉर अस। जैसे गाड़ी में पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलती, उसी तरह से मेहनत हम करते हैं नो डाउट, लेकिन एक उम्मीद बनी रहती है। मतलब हमें भी लगता है महीने के पहले 10 दिनों में कि यार अब सैलरी आनी चाहिए। शिक्षक दिवस के मौके पर नगर निगम ने अलग अलग स्कूलों के प्रिंसिपल और टीचर्स को पुरस्कृत किया। इस मौके पर केंद्र मंत्री किरण रिजिजू और जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। टीचर्स की सैलरी न मिलने को लेकर नगर निगम ने जल्द ही इस समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। नगर निगम के शिक्षक अक्सर सैलरी की मांग को लेकर अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट करते रहते हैं, हालांकि इन अध्यापकों ने कभी छात्रों को शिक्षा देने को लेकर कभी समझौता नहीं किया। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।